हेलो गाइस, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि देख पा रहे हैं, ये स्कोडा की ऑक्टाविया है, 2014 का मॉडल है, डीजल कार है। तो इसका इवेपोरेटर कॉइल जो है ना, यानी कूलिंग कॉइल लीक हो चुका है। इस वजह से मैं इसका डैशबोर्ड खोलने जा रहा हूँ। तो डैशबोर्ड खोलने के लिए क्या क्या खोलना पड़ता है, वो सब चीज़ें मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। और आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए ही कर रहा हूँ। और यहाँ आपको कॉइल का प्राइस कितनी है, सब कुछ आपको डिटेल्स में जानकारी मिल जाएगी। आप वीडियो में नए हो तो वीडियो को पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो चलो फिर, मैं बैटरी की वायर तो ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, और सबसे पहले मैं कंसोल बॉक्स खोलना स्टार्ट करूँगा। तो कंसोल बॉक्स तो आगे से तो कुछ खुलने वाला है नहीं, सबसे पहले पीछे मेरे को खोलना पड़ेगा, फिर आगे से खोलना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले मैं पीछे जाता हूँ, आपको सीट के पीछे जाता हूँ, फिर वहाँ से दिखाता हूँ क्या क्या खोलना पड़ रहा है। तो ये वाली ड्राइवर साइड वाली सीट आगे ले लेता हूँ मैं, जगह मिल जाएगा पीछे अपने को। तो चलो फिर मैं पीछे लेके जाता हूँ आपको। तो अपन पीछे आ चुके हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये वाली इसके पीछे, ये वाली जो होल्ड करने के लिए कुछ सामान वगैरह दिया है थोड़ा बहुत, तो इसको पीछे अब खींच के निकल जाएगा ये। उसके बाद देख रहे हैं, ये दो स्क्रू है, एलन की है, और ये वाली क्रोम को खोलना पड़ेगा, वेंट को, इसको डॉर से कटाएंगे इसको तो ये निकल जाएगा। एक स्क्रू यहाँ, एक स्क्रू यहाँ, यानी दो ऊपर है और दो नीचे साइड, यानी एलेंकी है। तो ये एलेंकी खोलता हूँ, खोलने के बाद ये वाला पोर्शन पीछे आ जाएगा, फिर उसके बाद आगे वाला पोर्शन खुलेगा। तो चलो मैं ये खोलता हूँ, फिर खोल के फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो चारों एलेंकी खोल दिया हूँ, देख रहे हैं आप, उसको इसको आगे खींचेंगे, ये निकल गया। उसके बाद मेरे को अब आगे जाना पड़ेगा, आगे जा करके ऊपर का ये वाला जो फाइबर है, यानी कवर है, इसको खोलना पड़ेगा पहले। तो चलो फिर आगे चलते हैं अपन, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। तो फाइनली मैं अंदर आ चुका हूँ, देख पा रहे, ये हिल रहा है लेकिन बट निकलेगा नहीं। इसमें एक स्क्रू यहाँ रहेगा, वही एलिंकी जो पीछे एलिंकी खोले थे, उसके बाद वो स्क्रू खोलने के बाद इसको नीचे खींचेंगे, इजीली निकल जाएगा। इसको पीछे होल्ड कर देता हूँ मैं, इस साइड का भी वैसा ही है, खींचेंगे, इसमें भी उधर स्क्रू रहेगा, वो स्क्रू खोलने के बाद ये निकल जाएगा। उसके बाद एक स्क्रू यहाँ दिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और एक स्क्रू यहाँ दिया है, दोनों बाजू वो स्क्रू खोलेंगे तो ये इजीली ऊपर आके खींचेंगे, इसको निकल जाएगा। तो चलो ये दोनों स्क्रू खोल देता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली सब स्क्रू खोल दिया हूँ, जो जो मैंने आपको बताया। हैंड ब्रेक को ऊपर ले ले पूरा, उसके बाद इसको खींचेंगे इस साइड, तो इसको भी मेरे को खोलना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर सॉकेट रहेगी। सॉकेट खोल के फिर मैं आगे इसको खोल के फिर आगे दिखाता हूँ। इसको आप माइनस स्क्रू और यहाँ से काटाएंगे, निकल जाएगा सेम वैसे, ये भी निकलेगा, ये भी निकल चुका, ये दोनों सॉकेट रहेगी। इसको साइड क्रॉस करके बाहर ले लेने का, और गियर जो है, आप गियर पे गाड़ी को रखना, एक या दो गियर पे, क्योंकि बाद में बैटरी की वायर निकालने के बाद ये गियर शिफ्ट चेंज होगा नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिक है। तो उसके बाद ये दोनों सॉकेट निकालना पड़ेगा, ये दोनों सॉकेट निकालता हूँ फिर मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो दोनों सॉकेट निकल चुका, हिल रहा है पूरा, अब निकल जाएगा। ये बॉक्स भी निकालेंगे तो निकाल दीजिएगा, बॉक्स को यहाँ से माइनस और से कटाएंगे आप, कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा, इसमें कुछ दिया हुआ नहीं रहता। ये लॉक टेस्ट करके आगे साइड से खींच के निकल गया। इसमें एक सॉकेट दी हुई है, सॉकेट भी निकल चुका आपने, तो आप देख पा रहे हैं इधर कुछ दिया नहीं है, बस अब अपने को निकालना है। तो निकालने के लिए ये वाला अपने को अड़चन देगा, हैंड ब्रेक, तो इसको हम ऊपर खींचते हैं, खींच के फिर मैं आपको बाहर निकाल के आगे दिखाता हूँ। तो फाइनली हैंड ब्रेक का जो ये कवर है मैं निकाल दिया, अब इजीली अपना निकल जाएगा, निकल गया, देख पा रहे हैं। तो बाकी ये सब नल्ला वगैरह सब खोलना पड़ेगा अपने को, तो ये सब खोलता हूँ।
खोल के फिर मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली नल्ला वगैरह निकाल दिया हूँ, पीछे एयर का जो लाइन देखती है वो निकाल चुका हूँ। और मेरे को ये टेप वगैरह खोलना पड़ेगा, स्टेयरिंग खोलना पड़ेगा। तो टेप खोलता हूँ फिर आगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसका टेप खोलना भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसको खींचेंगे साइड से कटाएंगे निकल जाएगा। और इसमें दो सॉकेट लगी रहेगी पीछे, दो सॉकेट है। ये दोनों सॉकेट खोलता हूँ फिर आगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोनों सॉकेट खोल के टेप को पीछे ले लेता हूँ। अब मेरे को कंट्रोल यूनिट निकाल, क्लाइमेट कंट्रोल पैनल निकालना पड़ेगा। तो इसको भी ऐसे खींचेंगे ये निकल जाएगा। तो चलो मैं इसको निकालता हूँ फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली जैसा कि आप देख पा रहे हैं कंट्रोल पैनल निकल चुका अपना, और ये तीन सॉकेट है, तीनों सॉकेट निकाल के फिर मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली अपना टेप भी निकल चुका। अब मेरे को ये कंसोल बॉक्स भी खोलना पड़ेगा, उस साइड का पैनल। इस साइड का पैनल खोल चुका हूँ, नीचे का ये सब खोलता हूँ थोड़ा बहुत। और स्टेयरिंग खोलना पड़ेगा। तो इसमें एयर बैग वाला रहता है नीचे, पीछे से लॉक रहता है, तो वो लॉक मैं खोलूँगा, खोल के फिर दिखाऊँगा अभी आपको। तो चलो फिर मैं ये सब छोटा मोटा जो खोलना था खोल देता हूँ फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो स्टेयरिंग का जो नीचे का पीछे का जो लॉक रहता है वो खोलने के लिए, खोलने से पहले आपको ये जो कवर है ये वाली कवर ऊपर नीचे का दोनों का खोल देंगे तो जगह अपने को इजीली मिलेगा। तो नीचे एक स्क्रू है वो मैंने खोल दिया है, उसके बाद एक स्क्रू इधर है और एक स्क्रू इधर है ये वाली। तो ये दोनों खोलेंगे तो ये पैनल कवर इसका निकल जाएगा, तो अपने को पीछे से स्क्रू ड्रावर डालने में ईजी रहेगा। तो चलो मैं इसको निकाल देता हूँ फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो मैं पीछे का कवर खोल दिया हूँ, देख पा रहे हैं। तो मैं नीचे ज़रा लेट के दिखा देता हूँ आपको लॉक कौन सा है। स्टेयरिंग आगे ले लिया, ये जो देख रहे हैं ये वाला लॉक है। तो माइनस इसको डाल लेने का और इसको यहाँ डालने का, दिख नहीं रहा है बराबर। ये निकल चुका अपना लॉक, देख पा रहे हैं। अब स्टेयरिंग को घुमा लेने का, थोड़ा चाबी लगाना पड़ेगा। तो स्टेयरिंग को घुमा लेता हूँ और एक लॉक यहाँ दिया है, ये लॉक भी सेम उसी तरीके से निकलेगा। निकल चुका, दो ही लॉक दिया रहता है इसमें। तो अब मेरा एयरबैग निकल जाएगा, देख पा रहे हैं निकल चुका। इसमें सॉकेट रहेगी, इसका लॉक थोड़ा हार्ड देता है, तकलीफ देता है। तो चलो फिर मैं एयरबैग निकाल के फिर आगे आपको दिखाता हूँ। ये एलंकी, इसमें ये वाला एलंकी लगेगा S2 M12। तो चलो इसको एलंकी में खोलता हूँ, खोल के फिर आगे दिखाता हूँ। तो एलंकी खोल दिया, उसके बाद स्टेयरिंग को आप सीधी करके चाबी निकाल दें और स्टेयरिंग लॉक कर दें। लॉक हो चुका, अब इसको इजीली निकल जाएगा, निकाल दें इसको, कोई टेंशन नहीं। ये बाहर हो गया। अब ये जो रिंग रहती है इसको संभाल के रखने का रहता है। यही पोजीशन में खोले हैं, आपका स्टेयरिंग लॉक है अभी, अभी कोई टेंशन नहीं, इसको भी लॉक करके आप निकाल दें यही पोजीशन में। तो चलो फिर मैं, ये तो निकला हुआ है सब, इसको नीचे ले लेता हूँ ज़रा, तो आगे ले लेता हूँ। ये निकला हुआ है, तो ये सब चीज़ें मैं निकालता हूँ, सॉकेट वगैरह सब खोलता हूँ और इसको लॉक करके पीछे होल्ड कर देता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली एक स्क्रू रहेगा यहाँ ये वाला रिंग निकालने के लिए, और दो लॉक रहेगी, ये वाली लॉक और ये वाली लॉक, ये वाली लॉक खोल के ये इजीली बाहर आ जाएगा आपका। ये वाली सॉकेट लग रहा है, ये सॉकेट निकालना पड़ेगा। एक सॉकेट इधर से निकाला हूँ, एक सॉकेट, दो सॉकेट, ये सॉकेट निकला नहीं है अभी अपना, तो निकालता हूँ फिर, निकाल के फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो अब ये मेरा इजीली बाहर आ गया। तो इसको लॉक जो पोजीशन में खोला हूँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं यही पोजीशन में इसको लॉक कर दें, ताकि रिंग टूटने का कोई चांस नहीं रहेगा। तो चलो फिर मैं ये आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ आपको।
ये तो खुल गई मेरा, अब मीटर खोलना पड़ेगा और इधर स्क्रू स्क्रू रहेगा वो सब खोलता हूँ, खोल के फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो मीटर निकालने से पहले ये वाला फाइबर जो मैं पहले खोला नहीं था, इसको ऐसे खींचेंगे, इसमें लॉक रहता है, निकल जाएगा। उसके बाद मीटर खोलने से पहले दो स्क्रू दिया रहेगा, दिख नहीं रहा, ये देखो ये रही स्क्रू, क्लियर नहीं दिख रहा है, यहाँ स्क्रू है और इधर एक स्क्रू है, ये दोनों स्क्रू खुलेंगे फिर ये खुलेगा। तो चलो दोनों स्क्रू खोलता हूँ फिर मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो स्क्रू मैं खोल दिया हूँ, ये मेरा इजीली बाहर आ जाएगा, देख पा रहे हैं बाहर आ चुका है। पीछे बाजू एक सॉकेट रहेगी, ये वाली सॉकेट खोलता हूँ, खोल के फिर बाहर लेता हूँ मैं, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली देख रहे हैं मीटर भी अपना खुल चुका, ये साइड का पैनल भी खुल चुका। अब ये रही स्क्रू एक, और एक यहाँ स्क्रू रही दो। अब इस साइड का टूल बॉक्स खोलता हूँ, उस साइड का पैनल खोलता हूँ, फिर आगे मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या खोलना पड़ रहा है अपने को। इसका एंगल तो बाद में आएगा, पहले डैशबोर्ड का कवर आ जाएगा, फिर एंगल आएगा, फिर क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट आएगा। तो चलो फिर मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं टूल बॉक्स तो खोल चुका हूँ, लेकिन बट मेरे को ये वाला जो फाइबर ब्लैक वाला जो दिख रहा है आपको, ये निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा इसको, इसमें एलेंकी है, एक दो तीन चार एलेंकी यानी स्क्रू है, इसको निकालना इसलिए पड़ेगा क्योंकि सामने एयरबैग दिया है। एयरबैग जो दिया है ना, तो एयरबैग खोलने के लिए एयरबैग पीछे से बोल्ट रहता है, इस वजह से ये यहाँ से तो दिखेगा नहीं, ये खोलने के बाद ही दिखेगा। तो उसको खोलने के लिए, क्योंकि ये डैशबोर्ड के साथ जुड़ा रहता है और उसका एयरबैग का जो बोल्ट रहता है लोखंड में इससे चिपका के एंगल में लगा हुआ रहता है, तो इस वजह से इसको खोलना पड़ेगा मेरे को, तब जा करके वो बोल्ट दिखेगा मेरे को। तो चलो फिर मैं सब खोलता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो सब स्क्रू मैं फाइनली खोल दिया हूँ और ये देख पा रहे हैं निकल चुका। अब इसके पीछे इसमें एम्पलीफायर टेप लगा हुआ है, जो कि एम्पलीफायर एलईडी वाला इसमें डिजिटल टेप दिया है, उसकी वजह से ये वाला दिया है इसमें एम्पलीफायर वगैरह है। तो चलो फिर मैं इसको, इसकी सब सॉकेट खोलता हूँ, खोल के पीछे लेता हूँ इसको, और उसके बाद ये वाली एयरबैग की सॉकेट जो ये देख रहे हैं 10 नंबर, यहाँ दिया हुआ है और यहाँ दिया हुआ है, यही खोलने के लिए बस इसको खोलना पड़ा मेरे को। तो चलो फिर ये सब कुछ मैं खोलता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली जैसा कि देख पा रहे हैं आप, दो यानी एक सॉकेट ये, दो सॉकेट ये और एक सॉकेट ये सब सॉकेट खोलना पड़ा, और एक ये सॉकेट। उसके बाद अपने को ये वाला एयरबैग का 10 नंबर दोनों खोल देता हूँ, फिर आगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली जैसा कि देख पा रहे हैं डैशबोर्ड खोलने के लिए जो कुछ भी खोलना पड़ता है मैं खोल दिया हूँ, ये वाला खोला नहीं था, मैं आपको दिखाया नहीं था। तो इसको खोलने के लिए यहाँ एक नीचे स्क्रू दिया रहेगा एलिंग की, उसके बाद ये स्क्रू खोलने के बाद सब सॉकेट निकालने के बाद ये इजीली बाहर आ जाएगा, जैसा कि देख पा रहे हैं बाहर आ चुका। तो इसको होल्ड कर देता हूँ। तो अब मैं डैशबोर्ड जैसा कि देख पा रहे हैं हिल रही है पूरी, यानी निकल जाएगा अब अपना डैशबोर्ड। तो खोलने के लिए देखो एक स्क्रू यहाँ का खोलना पड़ा और एक स्क्रू यहाँ का खोलना पड़ा, कंसोल बॉक्स तो खोल के दिखा ही दिया था मैं आपको, उसके बाद ये सब सॉकेट खोलना पड़ा अपने को, और यहाँ स्क्रू रहती है सब चीज़ें, तो मैं दिखाया आपको एयरबैग की दो सॉकेट रहती है, एक सॉकेट वो खोलना पड़ेगा ये वाली, और दोनों 10 नंबर बाहर का, और ये वाली सॉकेट, उसके बाद यहाँ एक एलिंकी रहेगा और एक यहाँ रहेगा, इस साइड में आपको दिखा देता हूँ, इस साइड से समझ में आ जाएगा, यहाँ रहेगी एक एलिंकी नीचे साइड, यहाँ दिया हुआ रहता है, उसके बाद एक पीछे साइड से एलिंकी दिया हुआ रहता है ये वाली, उसके बाद ये वाली सॉकेट ओबीडी का, और ये दोनों का सॉकेट निकालना पड़ेगा, बाकी सब खुल चुका और कुछ खोलने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरा डैशबोर्ड बाहर आ जाएगा, ये जो डैशबोर्ड जो दिख रही है ऊपर का कवर, ये बाहर आ जाएगा। तो चलो फिर मैं इसको बाहर लेता हूँ, फिर बाहर लेकर के फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो चलो फिर अपना काम चालू करते हैं अपन, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली जैसा कि देख पा रहे हैं ऊपर का डैशबोर्ड खोल दिया हूँ और डैशबोर्ड इधर रखा हूँ। अब मैं इसका क्या क्या खोलना पड़ता है वो सब खोलूँगा, खोल के फिर आगे मैं आपको दिखाऊँगा। तो मेरे को खोलने की ज़रूरत क्या क्या है वो बता देता हूँ। ये देख रहे हैं 13 नंबर, और ये स्टेयरिंग कॉलम को खोल के नीचे लेना पड़ेगा। उसके बाद ये जो वायरिंग है, वायरिंग का जो भी सॉकेट जो लगी है, क्लिप वगैरह लगी है, सब क्लिप निकालना पड़ेगा, जो जो निकालने की ज़रूरत है वो निकालना पड़ेगा। उसके बाद इस साइड का जो 13 नंबर खोलना पड़ेगा, वो सब क्या क्या निकालना पड़ रहा है मेरे को वो सब मैं निकालता हूँ, फिर बाद में आपको दिखाता हूँ। जैसा कि देख पा रहे सब वायरिंग वगैरह सबको अलग करना पड़ेगा, फिर एंगल निकलेगी, फिर बाद में क्लाइमेट
कंट्रोल यूनिट निकलेगा। तो चलो सब मैं निकालता हूँ फाइनली, फिर आगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली अंदर का सब खुल चुका है, यहाँ दो क्लिप रहेगी, एक क्लिप खोल के ये निकल जाएगा अपना, इसको निकाल देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद यहाँ अर्थिंग का ये सब सॉकेट वायर क्लिप को निकाल दिया हूँ, एंगल में जो भी लगा हुआ था। और उसके बाद ये दोनों 12-13 नंबर बोल्ट था खोल दिया हूँ, और बाहर से मेरे को एक खोलना पड़ेगा जो कि ये जो दिख रही है सामने, ये वाली 13 नंबर का दिया है अंदर से। बाकी इधर का सब खुल चुका हूँ, अब मेरे को सिर्फ बाहर जाना पड़ेगा। तो चलो बाहर लेके जाता हूँ, बाहर कॉल पैनल खोलना पड़ेगा। तो बाहर कॉल पैनल खोल दिया हूँ, वाइपर ब्लेड खोल दिया हूँ, ये वाली जो 13 नंबर रहेगी वो खोल के अपना एंगल बाहर आ जाएगा। तो चलो फिर मैं खोल के एंगल बाहर लेके आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली जैसा कि देख पा रहे हैं, सब स्टार्टिंग एंगल को नीचे ले लिया हूँ, ये सब चीज़ बता दिया हूँ, सब बोल्ट वगैरह खोल दिया हूँ। और ये साइड थोड़ा आपको तकलीफ दे सकता है क्योंकि ये वाला फ्यूज बॉक्स को अलग करना पड़ा, फिर उसके बाद ये वाला एलेंकी खोलना पड़ा, फिर अंदर एक एलेंकी ब्लोर के कंट्रोल यूनिट में सपोर्ट के लिए दिया है। तो फाइनली मेरा खुल गया सब। तो चलो मैं एंगल को अब निकालता हूँ, निकाल के फिर बाहर लेकर के आपको आगे दिखाता हूँ। तो फाइनली अपन इसका एंगल भी निकाल दिए हैं, एंगल देख लीजिए आप, इधर एंगल डैशबोर्ड है। अब मेरे को क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट खोलने का है, तो इसके लिए क्या क्या दिया हुआ है वो सब चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मेरे को बाहर का हीटर का पाइप और एक्सपेंशन वाल के पास का जॉइंट खोलता हूँ, खोलने के बाद फिर मैं आगे आपको दिखाता हूँ क्या क्या खोलना पड़ेगा। तो फाइनली बाहर से मैं हीटर और एक्सपेंशन वाल के पास का जॉइंट, हीटर का पाइप और एक्सपेंशन वाल का जॉइंट के पास का जॉइंट खोल दिया हूँ। तो चलो फिर अंदर जाता हूँ, क्या क्या खोलना पड़ेगा वो सब चीज़ें दिखाता हूँ आपको। तो जैसा कि बाहर मैंने आपको दिखाया, हीटर और कूलिंग कॉइल का दोनों का जॉइंट खोल दिया हूँ, और अंदर से पूरा भी निकल चुका है सब, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो चलो इस अंदर से और कुछ खोलने की ज़रूरत है नहीं अपने को, सिर्फ ये दोनों डक्टिंग को कटाने का था, कटा दिया हूँ और अपना इजीली निकल जाएगा। तो चलो फिर मैं इसको बाहर लेता हूँ, बाहर निकाल के फिर आपको आगे दिखाता हूँ। तो फाइनली देख पा रहे हैं पूरा गाड़ी नंगी हो गई है, हीटर एक्सटेंशन वाल का जॉइंट तीन ही, और पूरी गाड़ी निकल चुकी है, क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट निकल चुका ये रही पानी। तो चलो फिर मैं इसको खोलता हूँ, खोल के फिर अभी आपको दिखाता हूँ। फाइनली बाहर ले चुका हूँ इसको, तो चलो फिर मैं इसको खोलता हूँ, सब एलेंकी जितना भी एलेंकी दिया है सब कूलिंग कॉइल को निकालता हूँ, फिर अभी आपको मैं दिखाता हूँ। तो फाइनली सब खुल चुका, जैसा कि आप देख पा रहे हैं खुल चुका है। तो चलो डायरेक्ट इसको बाहर लेता हूँ, फिर मैं आगे आपको दिखाता हूँ। फाइनली जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नया कूलिंग कॉइल ये है और ये जूनी कूलिंग कॉइल फिटिंग करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सब खोलना पड़ा अपने को, हीटर वीटर सब खोलना पड़ा। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसकी वजह से मैं शॉर्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलो फिर मैं सब फिटिंग वुटिंग करके पूरा कंट्रोल यूनिट, क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट फिटिंग करके फिर आगे आपको दिखाता हूँ। इसमें और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि सेंसर लगी नहीं रहती है, जो कि बाकी गाड़ियों में सेंसर लगा हुआ रहता है कॉइल में, तो उसमें सेंसर कहीं लगा हुआ नहीं रहता। इसके बारे में आप बाद में डिटेल में बताऊँगा क्या सिस्टम रहता है इसका। ये वाली कूलिंग कॉइल ये सेंसर लगी हुई नहीं है, उस चीज़ के बारे में आप बाद में डिटेल करके साथ बात करेंगे। तो चलो तो जब तक मैं फिटिंग कर देता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट बैठा दिया हूँ कूलिंग कॉइल फिटिंग करके, देख पा रहे हैं आप। अब मेरे को एंगल बैठाने का है, मैं वीडियो शॉर्ट कर रहा हूँ, छोटा कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो चलो फिर मैं एंगल वगैरह बैठा करके फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो हेलो दोस्तों, फाइनली अपना एंगल वगैरह सब फिट हो गया प्रॉपर, सॉकेट वगैरह वायरिंग वगैरह सब लग चुका है। तो इसका मैं आपको बताया था कि कूलिंग कॉइल में सेंसर लगी हुई नहीं रहती है। इसका सेंसर ये वाले जो देख रहे हैं, ये बॉडी में लगा हुआ रहता है, सेंसर रहता है, ऐसा कि नहीं कि सेंसर नहीं रहता है, कूलिंग कॉइल में सिर्फ चिपका हुआ नहीं रहता है। चलो तो फिर बाकी ये सब फिट हो गया। और इसका कूलिंग कॉइल का प्राइस अगर आप ओरिजिनल लेंगे तो 13,500-14,000 के बीच में आएगा, और आप अगर लोकल लेंगे तो 3,500-3,500 के बीच में आपको मिल जाएगा। जो कंपनी का फिटेड होके आता है वो आपको मिलेगा 13,500-14,000 के बीच में। तो चलो फिर मैं डैशबोर्ड डाल के आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली अपन डैशबोर्ड डाल दिए हैं, देख पा रहे हैं आप। तो चलो फिर मैं इसको प्रॉपर तरीके से सब फिट करता हूँ, फिटिंग करके
फिर आगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं फाइनली गाड़ी पूरी फिट हो चुकी है, देख पा रहे हैं, और गाड़ी अभी चालू पोजीशन में है। एसी वगैरह चालू किया हूँ, कूलिंग वगैरह सब मस्त हो रही है, देख पा रहे हैं आप, प्रॉपर तरीके से फिट हो चुकी है गाड़ी अपनी। तो हेलो गाइस, इस वीडियो में अगर आपको कहीं कोई चीज़ अगर समझ में ना आता हो तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जितना भी मैंने आपको दिखाया, ये सब लाइव दिखाया, इस तरीके से इसका डैशबोर्ड खोला जाता है और क्वाइल भी रिप्लेस करके दिखाया मैंने आपको। तो आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए बढ़ते हैं, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।